आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैंने यहाँ से एक वीडियो का एंड किया है एंड सेकंड वीडियो स्टार्ट किया है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मेरा ब्लाउज कलेक्शन। रिसेंटली मैं जो मैंने जो जो ब्लाउज अपने स्टिच करवाए हैं तो मैं वो कलेक्शन आप लोग के साथ लेके आई हूँ। एंड ये सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स में आएंगे, एक साथ मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लाउज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट ब्लाउज है एंड ये ब्लाउज ना मैं ना किसी भी साड़ी के साथ पहन जाती हूँ। तो ये रहा ये ब्लाउज एंड आप देख सकते हो ये नॉर्मल जो हुक्स लगे होते हैं तो फ्रंट पे हुक है। ये बैक पे मैंने एकदम प्लेन रखा बिकॉज ना इसकी साड़ी ना थोड़ी सी हैवी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो साड़ी हमारी हैवी होती है ना उसके ब्लाउज हमें ना थोड़े से नॉर्मल रखना चाहिए बिकॉज साड़ी पे पूरा हमारा मतलब वर्क था, वो मेरे साड़ी पे अच्छा खासा वर्क है। तो मतलब ऐसे भाई वो जड़ी बड़ी वाली नहीं है बट उसमें जो कढ़ाई का काम है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा था। तो मैंने ब्लाउज एकदम प्लेन रखा, को बलून स्लीव्स कहते हैं, तो हाफ में ऐसा लाइक चुन्नट टाइप का आता है। इसको पहनने के बाद ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है ये एंड यहाँ पे ना पूरा एकदम मतलब फिटिंग आती है। यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये ब्लाउज मेरा एकदम प्लेन है एंड ये गोल्डन टाइप में है, थोड़ा सा गोल्डन एंड शाइनिंग टाइप में बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे ब्लाउज लगता है। ये बैक एकदम प्लेन एंड फ्रंट पे बस नॉर्मल जो हुक लगे होते हैं दैट्स इट, मैंने वही लगवाए हैं। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट ब्लाउज है, इसको मैं ना किसी भी साड़ी के साथ वेयर करती हूँ, किसी भी साड़ी ब्लाउज है ये मेरा। मेरी एक ना प्लेन साड़ी है तो मैंने सोचा कि मुझे ना इसका थोड़ा सा ना बैक का थोड़ा सा हैवी रखूंगी तो साड़ी का बैक है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा। आई थिंक ये ना ये जो ना हम स्लीव्स पे चुन्नट बनवाते हैं ना यहाँ पे काफी आजकल ट्रेंड पे चला हुआ है जो चुन्नट टाइप का जो आता है, तो ये उस टाइप का ही है बट इसको ना पूरा मतलब इसे चिपका दिया गया है इस पे, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसमें ना छोटी छोटी सी ऐसी आई थिंक इसको मोती बोलेंगे, तो ये मोती लगी हुई है छोटी छोटी सी एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप देख सकते स्लीव्स पे ऐसा काम हो रखा है, टू कट्स है एंड यहाँ पे छोटा सा बटन है। मतलब किसी किसी पे टू कट्स भी होते हैं, किसी किसी के थ्री भी कट्स होते हैं बट मुझे टू ज्यादा अच्छा लग रहा था तो फिर ये प्लेन है। नॉर्मल जो हुक्स होते हैं बस वही एंड मैंने स्लीव्स में जो इस साड़ी का जो लेस था ना वही लेस यहाँ पे लगा। फोर्थ ब्लाउज है जो कि मैंने इसका भी अगेन कपड़ा ले रखा हुआ था, ये मेरी किसी साड़ी का नहीं है एंड बहुत ही खूबसूरत है एंड बहुत ही प्लेन, मैंने इसको बहुत ज्यादा प्लेन रखा है। तो ये पूरा प्लेन है, बैक का पूरा एकदम गोल वाला है, डीप गोल है एकदम प्लेन एंड और इसकी जो स्लीव्स है ना इसके स्लीव्स में ये ना क्या ये अम्ब्रेला टाइप का बना हुआ है। ये थोड़ा सा ऐसे दिखने में आपको ऐसा लग रहा है बट अगर आप इसको प्रॉपर पहनोगे ना तब ये ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड ये क्या है ना कि थोड़ा सा ऊपर वाला अम्ब्रेला है जो ऊपर साइड होते हैं, एक होता है ना कि जो पूरा नीचे राउंड जो रहता है तो वो भी होता है बट ये थोड़ा ऊपर साइड का अम्ब्रेला है तो थोड़ा सा उठ जाता है पहने, बट ओवरऑल इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। फ्रंट पे सिर्फ नॉर्मल हुक है। एंड जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लाउज दिखाने वाली हूँ ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज मैं इसे हर साड़ी पे वेयर कर लेती हूँ। अगर किसी साड़ी का अगर मेरा ब्लाउज स्टिच नहीं होता है तो मैं इसे वेयर कर लेती हूँ और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत। एक तो इसका कपड़ा ना बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी मोटा है, ऐसा पतला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ना यहाँ इसके ना जो इस पे कढ़ाई जो हो रखी है ना ये मटके वाली, मतलब मेरा तो दिल ही आ गया इसमें कढ़ाई पे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इसका आप देख लो ये बैक ऐसा है, इसके बैक पे ना ये डिजाइन्स है, ये 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, हाफ में है यहाँ तक है दोनों साइड एंड यहाँ पे पूरा प्लेन है एंड ये मटका डिजाइन है, आई थिंक इसको मटका ही बोलते हैं, हाँ ये मटका डिजाइन है तो अच्छा लगता है। एंड डोरी भी लगाया है उन्होंने एंड ये ना इसके स्लीव्स में ना बहुत ज्यादा अच्छा है बट काम इसका ना, बट मुझे ना इसके स्लीव में एक चीज प्रॉब्लम है कि जो इसका शोल्डर पे कट दे रखा उन्होंने बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है डीप है, बड़ा है ज्यादा कट, थोड़ा कम कट होता तो ये बहुत ही ज्यादा लाइक खूबसूरत लगता। एंड इसके स्लीव्स पे उन्होंने ये क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक इसको वो चुन्नट बोलते हैं, हाँ उन्होंने ये चुन्नट डाल रखा हुआ है तो इसकी स्लीव्स भी काफी अच्छी लगती हैं। ओवरऑल पे नॉर्मल उन्होंने ये हुक लगा रखा हुआ है एंड ना इसकी जो ना ये डोरी ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसकी डोरी पे ना ये ऐसा काम हो रखा है उन्होंने ऐसे हाथ से बनाया कपड़े से डिजाइन से, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, मतलब
बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट सा लगता है ये। इसमें जो कॉम्बिनेशन है ना, इसे हम किसी भी साड़ी पे वेयर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आजकल ना जो ना मतलब जो साड़ियों के ब्लाउज आते हैं ना, उनमें बहुत से ज्यादातर मोस्टली ऐसे ही कपड़े होते हैं। मैंने एक ना मीशो पे एक साड़ी देखी थी जिसका ब्लाउज सेम टू सेम ऐसा था, मतलब सेम ऐसा ब्लाउज था उसका, तो मुझे ओवरऑल ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट ये ब्लू कलर का ब्लाउज है एंड ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है बिकॉज ये बहुत ज्यादा सिंपल है एंड सिंपल के साथ साथ ना ये ना दिखने में बहुत ज्यादा एकदम अपने में ही क्यूट लगते हो कि यहाँ पे एकदम प्लेन है, यहाँ पे नॉर्मल हुक उन्होंने लगा एकदम प्लेन एंड स्लीव्स भी इसकी प्लेन। और बस इसमें क्या है ना, इसका मतलब जो इसमें मैंने सिर्फ ना एक ये डलवाया है, बटन टाइप का डलवाया है और ये ना बटन नहीं है, ये उन्होंने कपड़े का कुछ राउंड राउंड करके उन्होंने ये बनाया है एंड बहुत ज्यादा ही क्यूट लगता है देखने में। इसको मैं जब पहनती हूँ ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस ब्लाउज को पहन के, बिकॉज ना एक तो ये ना पूरा मतलब यहाँ नेक तक आता है ये, तो ये बहुत ज्यादा मुझे ब्लाउज अच्छा लगता है। ब्लू है एंड तो ये है इसका बैक, तो आप देख सकते हो एंड ये है इसका फ्रंट। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो ब्लाउज कलेक्शन का अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा गाइस। ऐसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।